अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो यूट्यूबर्स के लिए कि थंबनेल आपने कैसे बनाना है कैनवा पे। ठीक है, कैनवा के रिलेटेड मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ एक दो मेरा ख्याल है, लेकिन अब स्पेशली थंबनेल पे कि थंबनेल कैसे हमने क्रिएट करना है। अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए हमें ज़ाहिर बात है थंबनेल तो चाहिए होता है ना। तो थंबनेल हमने कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, आइए इस चीज़ की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये मैंने खोला हुआ कैनवा, ठीक है, आप लोगों के सामने है। जब हम इस पर लॉगिन कर लेते हैं तो ये हमारे पास लेआउट आ जाती है, होम इस तरह से इसका खुल के आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ मुझे वो रिकमेंडेड बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, इसके बाद सोशल मीडिया इवेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा नीचे सारी दी हुई हैं। अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, टेम्पलेट्स को आप ओपन करें। ठीक है, हमने थंबनेल ढूंढना है तो हमें बने बनाए लेआउट जो है, ये टेम्पलेट्स जो हमें वही फ़ायदा देंगे। ब्राउज बाय कैटेगरी, फेसबुक पोस्ट, ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरीज हैं और इंस्टाग्राम पोस्ट हैं, फेसबुक कवर्स हैं वो बनाने हों, फ्लायर्स का है और प्रेजेंटेशंस, यूट्यूब थंबनेल, ये यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एक ऑप्शन है, मैं इसको ज़रा ऊपर ले चलाता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, ये सी ऑल। ठीक है, हम सी ऑल पे कर देते हैं। जिस तरह का हमें जो इसका टेम्पलेट चाहिए हम यहाँ से उठा सकते हैं, हम खुद अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, ये नहीं कि अपना नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम इसको प्रेफरेंस इसलिए देते हैं कि हमें ज़रा बना बनाया का आइडिया मिल जाता है, तो वही उठा के ना तो हम उसको लगा देते हैं। हम यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सिलेक्ट किया तो ये हमें पूछ रहे हैं कि जी यूज़ दिस टेम्पलेट, ठीक है, या ये नीचे जो कलरिंग वगैरह हर चीज़ है, यहाँ से कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है नहीं करनी है, क्या चीज़ हो इसमें, आप ऑरेंज, वाइट, मॉडर्न, सिंपल, एक्सप्लोर मोर, यानी कि अगर हम इसमें एक्सप्लोर मोर करके और भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना, हम यूज़ दिस टेम्पलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा खुल गया जी, ज़रा जवाब, ठीक है, ओके हो गया, ये हमारा वो टेम्पलेट जो है ये ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए, ये आप लोग देख लें, ये चीज़ है। ठीक है, ये यहाँ पे इसको हम निकाल सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ये राइटिंग लिखी हुई है, यहाँ इसके नीचे बैकग्राउंड लगा हुआ है, जो चीज़ आप चेंज करना चाहें। ठीक है, अब मैं वीडियो के रिलेटेड बना रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट थंबनेल। तो जी, हाउ टू क्रिएट थंबनेल, हमने ये लिख दिया यहाँ पे, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, अब इसको हम सेट कर सकते हैं जहाँ पे हम सेट करना चाहें, ये हमारी मर्ज़ी है। ठीक है ना, इसको साइज़ को यहाँ से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नहीं करना चाह रहे आप, यहाँ से साइज़ को जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, कितना आपने इसको, आपको इसका चाहिए साइज़। ठीक है, हमने यहाँ पे ये रख दिया। अब इसके अंदर हम इसकी कलरिंग कर सकते हैं, कलर हम जिस तरह का चाहें, यहाँ से ये कलर्स हैं। ठीक है, आप कलर्स यहाँ से सिलेक्ट करें, कलर शेड कौन सा आपको चाहिए, किस तरह से चाहिए, आप वो यहाँ पर लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, ठीक हो गया जी, बिल्कुल सिंपल सा जो है सारा हिसाब है इसका, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास सारी लेआउट्स मौजूद हैं, टेम्पलेट्स मौजूद हैं आपके पास, इजीली आपको फ़ोटोज़, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, म्यूज़िक, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या अगर आपके पास अपनी है तो आप वो यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, क्यों निकाल देता हूँ, मुझे चाहिए नहीं भाई, मुझे क्या चाहिए, मुझे जो एक दो चीज़ें चाहिए मैं उनको ले जाऊँगा वहाँ पर। अपलोड्स में चेक कर लेते हैं, अगर अपलोड्स में हमारे पास अवेलेबल हुई हैं, मैंने अपलोड अगर की हुई हुई तो, ना हुई तो उधर से हम इसे कॉपी कर लेंगे, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। तो मेरे पास अपलोड्स में नहीं पड़ी, हम यहाँ चले जाते हैं, यहाँ ये जो ऑल योर डिज़ाइंस, जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो यहाँ आपके ये ऑल योर डिज़ाइंस में सारे आपके डिज़ाइंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, आप किसी भी वक्त उनको डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, आप वीडियो के अगर MP4 में करना चाहें वो भी हो जाएगा डाउनलोड, लेकिन वो पेड है। ठीक है ना, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है कैनवा को। ठीक है, अभी यहाँ पे ये है कि मैं सिर्फ अपनी पिक्चर वहाँ ले जाके जो वो लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ आई थिंक मेरे पास ये मौजूद है, Ctrl+C एंड Ctrl+V, आई थिंक आ जाएगी कॉपी, हो जाएगी, ये देखेगी, ये कॉपी होगी, इसका साइज़ मैं अपने हिसाब से यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है, हाउ टू क्रिएट थंबनेल, ये मैंने हेडिंग लगा दी है। ठीक है, इजी वे टू क्रिएट अ थंबनेल,
इजी वे टू क्रिएट अ थंबनेल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको जो है इसके बराबर ले आऊँगा, बल्कि नहीं यार इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए, छोटा है ना। ठीक है, अब इसको भी हम बड़ा कर देंगे यहाँ पे, ताकि वो उसका पूरा आ जाए उसके ऊपर। ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं कि कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है इसको बनाना। ठीक है, अच्छा अगर आप उर्दू में लिखना चाह रहे हैं वो कैसे लिखेंगे, यहाँ आप कॉपी पेस्ट करेंगे ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो यहीं पे वो चीज़ जो आप बना रहे हैं वो कॉपी भी हो जाएगी। ठीक है, हम ले जाएंगे ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू। ठीक है, हम उर्दू में यहीं से करते हैं ट्रांसलेट, और वहाँ ले जाके जो उसको पेस्ट कर देंगे। क्रिएट थंबनेल इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में थंबनेल बनाया। अब थंबनेल तो ये दूसरा आ गया ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे यहाँ से। ठीक है, 5 मिनट में ओके हो गया इतना पीस। ठीक है, अब हम इसको ही पेस्ट कर देंगे ऐसे कि हम यहाँ पे थंबनेल बनाएं को लेके आ जाते हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, इसी तरह से इजीली आप डिज़ाइन जो हैं बना सकते हैं, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं। अगर आपको पूरा वर्ल्ड नहीं मिल रहा, आपने यहाँ थंबनेल पूरा लिखना, तो आप भाई थंबनेल यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं। मैं आपको इधर ज़रा टेक्स्ट वाले में ले जाके थोड़ा सा दिखा देता हूँ डिज़ाइन वगैरह। अब ये मुख्तलिफ हैं, यहाँ आप कोई भी यहाँ से उठा के उसमें ले जाके वहाँ लगा सकते हैं। मैंने ये ग्लो वाला उठा लिया, फ्री वाला है, ठीक है ना, फ्री वाला उठाया। इसके अंदर मैंने क्या लिखना है, थंबनेल लिख देना है। ठीक है, थंबनेल लिखने के बाद साइज़ बहुत बड़ा है, इसको मैं छोटा करूँगा, और छोटा करने के बाद इसको उठा के लाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये आप लोगों के सामने है, देख लें ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल्ड, पहले अब बोल्ड हो गया। ठीक है, इटैलिक नहीं हो रहा। कलर्स जो है, कलर स्कीम हम इसकी चेंज कर सकते हैं, जिस कलर में भी हम इसको लगाना चाहें हम वो लगा सकते हैं। ठीक है, ग्रीन में करना है आपने इसको, पर्पल में, येलो में, रेड में, जिसमें आप करना चाह रहे हैं। सो मैंने इसको रेड में रख दिया। ठीक है, सिंपल सा बनाया है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब मैंने कितना थंबनेल पे से टाइम लगा मुझे कोई आपके सामने है। ठीक है, कोई इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन एक बना लिया मैंने थंबनेल, ठीक हो गया ना। सिंपली तरीकाकार है, इजीली आप इस पे बना सकते हैं। ठीक है, थंब हाउ टू क्रिएट थंबनेल फॉर यूट्यूब, सॉरी फॉर यूट्यूब वीडियो, फॉर यूट्यूब वीडियोज, ये चीज़ तो मैं वाकई में भूल गया था। ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा बेशक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ ऊपर ही देखें, लैपटॉप पे आ गया, लैपटॉप पे जो आ रहा है इस पिक्चर में, वहाँ पे हमें कोई इतना इशू वाली बात नहीं। मैं आपको चीज़ें सिर्फ जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चल जाए। अब यहाँ एलिमेंट्स हैं, ये फ्री वाला एलिमेंट है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अपने साइज़ में लेके आते हैं जहाँ जितना हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ से नीचे नहीं आ रहा, इसको इस तरह से हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये बराबर आ गया तकरीबन, थोड़ा सा और चाहिए, ताकि हम इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद हमने इसको यहाँ पे लाया, यहाँ इसको इतना बड़ा कर दिया, बल्कि बेशक इस पर पूरे पे हम कर देंगे ताकि, और इसको कर दिया ये पोजीशन बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड में करने के बाद अब हमने इसका क्या है, कलर भी हम इसको चेंज कर सकते हैं कि हमने कलर कौन सा करना है। इसको ज़रा इधर निकाल देते हैं, और यहाँ पे इसका कलर का ऑप्शन है। कलर के ऑप्शन में इसको आप जौन सा कलर बैकग्राउंड में देना चाहें, मैंने इसको दे दिया ब्लैक। ब्लैक देने के बाद इसको थोड़ा सा कर देते हैं हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, और ट्रांसपेरेंट करने के बाद हम इसको उठा के यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, एक चीज़ और रहेगी थोड़ी सी, वो ये कि उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा था, तो छोटा था, सॉरी, उसको हमने निकाल लिया। निकालने के बाद हमने यहाँ पे लगा दिया, कितना इजी था। यहाँ से आप इसको सिंपल, आप यहाँ जाएंगे पीएनजी फाइल में, आप इसको जो है डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है,
डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसको कहीं भी यूज़ करें, कोई इशू वाली बात नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मेरा जो है थंबनेल वो डाउनलोड हो गया और अब इंशाल्लाह इसको मैं यूज़ कर लूँगा। तो इंशाल्लाह वीडियोस देखते रहें, इस तरह की वीडियोस आपको देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।